रहे हैं कि आप इतना काम कर रहे हो तो ब्रेस्ट कैंसर जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आप ऐसा करिए कि जितने भी जर्नलिस्ट हैं, बेशक वो पूर्व जर्नलिस्ट भी हैं या उनके उनकी डेथ भी हो गई है, उनकी फैमिली के लिए हम ब्रेस्ट कैंसर फ्री से इलाज करवाएंगे। हमें लगा कि हमने एक एफर्ट शुरू किया था, एक एनजीओ हमारे साथ हो रहा है, तो हम ब्रेस्ट कैंसर के लिए अब हमें एक उनको सिर्फ लेटर हेड पर लिख के देना है कि इनकी फाइनेंशियल हालत बहुत बुरी है, तो आप एक लेटर हेड पर लिख के दीजिए, उनकी एक टीम है वो आएगी, और ये नहीं है कि कहीं भी देश में आपका इलाज चल रहा है तो वो वहीं आएंगे और वहीं पे उसको मुफ्त इलाज कराएंगे। तो हमें लगता है कि ये पड़ाव हमने शुरू किया, पहले हमने पंजाब से शुरू किया था, हमारे साथ हरियाणा पूरा चला, तो अब जब हमें लगा कि अब हमें लगता है कि और आगे बढ़ना चाहिए तो आज हम हिमाचल में इसलिए आए। देखिए इसमें एक बड़ी बात बताता हूँ जी, पहला है हमारा दो मोटिव बड़े हम जो लेके चल रहे हैं, एक तो जो जर्नलिस्ट चले गए, हमने भी 20 साल हो गया इस जर्नलिज्म में आए, ठीक है, हम हमारे सीनियर्स थे जिनको देख के हम बड़े हो रहे थे, बड़े हुए जब हम, वो धीरे धीरे दुनिया से सभी नहीं जाना जी, वो चले गए, कई सालों बाद जब उनकी फैमिली मिली हमें तो उन्होंने कहा कि जब मेरे फादर मेरे ब्रदर जब मीडिया में थे तो मंत्री सीएम कॉल करते थे, बुलाते थे, हमारी भी इज्जत होती थी, उनके जाने के बाद आप ये सोचिए कि अंतिम अरदास में भी लोग नहीं आए, भोग में भी नहीं आए, उसके बाद पूछना तो बहुत दूर की बात है, उससे भी आगे क्या पड़ाव आया, उनके बच्चों तक को थ्रेट दी कि तुम्हारे फादर ने तो लिख बड़ा लिखा था, अब करवाओ, नौकरी तक नहीं लगने दीजिए। तो हमने सोचा कि अगर हम अभी हैं, पहले हमने सोचा हम 10 लोग हैं, फिर हम 20 हुए, चलो अब आगे बढ़ रहे हैं, हजारों लोग साथ जुड़ रहे हैं, पत्रकारों से हम किसी से कुछ लेना नहीं चाहते, हमें नहीं चाहिए, हम तो फैमिलीज़ को इकट्ठा कर रहे हैं जो हैं वो, और जो चले गए उनकी फैमिली, हमारा कोशिश है कोई त्यौहार आएगा कुछ आएगा हम उनको बुलाएंगे, उनको ये लगे कि आज भी वो जिंदा हैं, उनके फादर हैं, भाई हैं, हम उनके भाई भी बनेंगे, हम उनके बेटे भी बनेंगे।